सो आर यू सफरिंग फ्रॉम पी सी यू एस और आर यू नोटिसिंग हेयर फॉल बिकॉज ऑफ पी सी यू एस सो पी सी यू एस के बारे में यू ऑल नो दैट इट इज़ द मोस्ट कॉमन कंडीशन फेस्ड बाय अ फीमेल नावर डेज सो उसके साथ साथ हमारी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स uh, भी आती हैं एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिजीज सो वी विल सी इफ़ यू आर गेटिंग हेयर फॉल ड्यूरिंग पी सी यू एस और ड्यू टू पी सी यू एस टू वट आर द कॉजिज वाई आर यू गेटिंग द हेयर फॉल सो लेट्स सी एंड हे एवरी वन वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड डू वॉच द वीडियो टिल द एंड इट वुड बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू सो देखिए पी सी ओ एस में जो मेन कंडीशन अराइज होती है ना दैट इज़ द इनक्रीमेंट इन द एंडजन इट इज़ अ हॉर्मोन तो अगर जब इसकी इंक्रीमेंट होती चली जाती है तो जब ये हाई लेवल पे होता है तो इससे क्या होता है हेयर थिनिंग होती है स्पेशली इन द फ्रंट ऑफ योर स्कैल जो आप इस इमेज में क्लियरली देख सकते हैं कि कितनी थिनिंग दिखाई गई है इस फीमेल में ठीक है तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं ऑफकोर्स तो आप सबसे बेस्ट इसमें ट्रीटमेंट रहता है इनोसिटॉल इन्नोसिटॉल का काम क्या होता है वो एंड्रोजिन के अमाउंट को लोअर डाउन करती है वाइल रेडेंसिल क्या करता है आपके हेयर फॉलिकल्स को ग्रोथ करने में हेल्प करता है एंड इसके अलावा आप ओरल सप्लीमेंट्स भी यूज कर सकते हैं लाइक बायोटिन इन जिंक और सम सप्लीमेंट्स रिच इन देम बिकॉज बायोटिन इन जिंक का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है आपके हेयर फॉलिकल्स को डेवलप करने में सो रिमेंबर इफ़ यू स्टार्ट नोटिसिंग योर हेयर थिनिंग go and consult with the doctor do not take any medicine through uh, any video consultations go and uh, consult with the doctor and uh, take the prescribed medicine and do take care of your health thank you so much for watching and do subscribe to the channel